कभी भी मेरी उस पागल लड़की से शादी नहीं होगी। क्यों पागल आगरा के पागल खाने से फरार हो चुके हैं। ये पागल दिखने में बिल्कुल पागल नहीं दिखते, तो हो जाइए उनसे सावधान। ये तो बताइए करना क्या है। कहने को तो इनकी पत्नी है, पर आप इनके पति बन जाइए और भैया आप इनकी बीवी बन जाइए। और हम क्या घुइयां उखड़ेंगे। आप समझिए कि आप एक बहुत ही बड़े व्यापारी हैं। डिंगल डिंगल उठलो स्टार, अप अबाउट द बल सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। पागल खाने से जो पागल लोग भागा है वो ये लोग हैं। क्या खुशबू है, मजा आ गया। लीजिए लीजिए लीजिए, हाँ लीजिए। God, ये दिन भी देखने थे। लज्जतदार, क्या मजेदार बनाया आपने। आपने मेरी हवाई नली ट्राई नहीं की, ये मेरी स्पेशलिटी है। मेरी बीवी के हाथ में बड़ा स्वाद है। बहुत मजा आया। रसमलाई रह गई। एक मिनट, आपके लग गया। सब लग गया। चलते हो क्या अंदर? चलो। शेरू स्टे 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 स्टे। पगला गया, इसकी भी हिल गई है। मुझे तो लगता है ये लोग भी पागल हैं। सरजी, अबे रोशन के लोंडे, अबे गला फाड़ फाड़ के क्यों चिल्ला रहा है? अबे आ तो रहा हूँ। अबे कमबख्तो मनुसो उठाई गिरो, अबे गंदी गंदी शक्लों वालो, अबे भगवान करे तुम रसगुल्ला खाओ, तुम्हें आम के अचार का स्वाद आए। अबे लो खा लो। बाप तो कर ले, मर रहा यहाँ पे। समझी जी, आपको डिनर रेडी है, शुरू करो प्लीज। नहीं नहीं समझी साहब, ऐसा कैसे, आप लड़के के पिताजी हैं तो पहले आप शुरू कीजिए ना। नहीं नहीं प्लीज, देखिए क्या है कि आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान जो हमारा होता है हमें जान से प्यारा होता है, प्लीज पहले आप कीजिए ना शुरू। क्या कहा? अरे बेटा आप शुरू करो ना। नहीं नहीं आंटी जी, क्या है ना, मैं आज के दिन उपास रखता हूँ। आज के दिन ना मैं सिर्फ धतूरे का सूप पीता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, बेटा आप शुरू कर लो। डिंगल डिंगल उठलो स्टार, बाट बवंडर व्हाट यू आर, यूपी अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। वाह, ये बॉडम सबसे बड़ी स्मार्ट। ये कहना चाह रही है कि इनका भी फास्ट है। मैं काम करता हूँ, कोई शुरू नहीं कर रहा है तो मैं ही शुरू कर लेता हूँ। लेकिन मेरे शुरू करने के पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे शेरू का पेट भरे। शेरू शेरू। अरे अरे तो कुत्ता है तो क्या हुआ, हमारी फैमिली का मेंबर है ये। ले अंकल जी कमाल का शौक है, 440 वोल्ट। मजा आ गया, लाजवाब। अरे गुइया तुम भी लो ना। हाँ दो ना प्लीज। मुखलो मुखलो। बहुत मजा आया। मम्मी मम्मी मैं भी खाऊंगी। हाँ खाओ ना बेटा। दो 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 दो। मुखलो मुखलो। बस तुम्हारे लिए ना इतना ही काफी है। ये समझी जी, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे भाई, लीजिए।
ना समझी हमारी इच्छा ना हो रही है, बिल्कुल इच्छा नहीं है हमारी। पापा कितने प्यार से बोल रहे हैं, प्लीज ले लीजिए ना। अरे दादा मुगलई मजु आ गो, जरा मम्मी जी को भी दीजिए। मैं डाइटिंग पे हूँ। नहीं नहीं पिछले 6 महीने से मांग रहे हैं, अब दे दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये लीजिए। अरे बेटा तुमने तो कुछ भी नहीं लिया, अरे इनको भी दो ना। नहीं हो क्या, दरअसल सुबह सुबह हम बिल गेट्स के साथ पोहा खा के आए हैं, भूख नहीं है। नहीं नहीं बेटा नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, इतनी वाला तू लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, नहीं। बेटा एक निवाला ना मेरी तरफ से भी। एक निवाला मेरी तरफ से जेठ जी के लिए। I'm sorry. निवाला थोड़ा बड़ा था। देखिए अब इतना कुछ खिला दिया, अब एक निवाला भाभी जी को भी तो दीजिए। नहीं एक्चुअली क्या है कि मैं डिनर में ना कार्ब्स नहीं खाती, क्योंकि कि मुझे अपनी फिगर मेंटेन करनी है, तो आई एम सॉरी मैं नहीं खा सकती। नहीं नहीं बेटी नहीं ऐसा नहीं चलेगा, एक निवाला तो लेना ही पड़ेगा। देखिए आप प्लीज इंसिस्ट नहीं कीजिए ऐसा, बिकॉज मैं अवॉइड ही करती हूँ ना कार्ब्स, रात को मैं खाती ही नहीं हूँ एकदम से। मेरी बीबी मोटी हो जाएगी ना। भाभी इतने प्यार से बोल रहे हैं ले लो ना। प्यार से खिला तो खा लो। और एक लड़की की दादी की तरफ से। एक लड़की के मामा की तरफ से। ये आफ्टर इफेक्ट्स। एक और सब की तरफ से। I like it. I. Ado. Oh, kya hua? Kyun chilla rahe ho itna? Ado. Un kam waqton ne na karan maar maar ke mera sara khoon choos liya hai. Meri body mein taaqat hi nahi hai. I'm feeling listless. God. कमजोर हो ना तुम विभू, इतने कमजोर हो। सक्सेना जी को देखो, उन तीनों को देखो, शॉक लेने के बाद कैसे एनर्जेटिक हो जाते हैं। वो सारे कमबख्त पागल हैं, वो तो यार वो जो उनका शौक है वो उनका आहार है खाना है, मैं पागल हूँ क्या? What are you talking यार अन्नू? फिर भी विभू इतने से शौक से इतना चिल्ला रहे हो, बहुत ड्रामा करते हो। अगर तुम्हें शौक लगे ना ये तो एक शौक में उड़ जाओ तुम। ड्रामा करते एक तो पूरा जिससे मैं लगता है कि जान ही नहीं है, सिंकिंग सी फीलिंग हो रही है मुझे। डोंट वरी मैं तुम्हारी कश्ती डूबने नहीं दूंगी। क्या करोगी तुम? ओ, समझ गया। दादा सारन ने इतने जोर जोर के करंट के झटका मारे, हमारे गुर्दा ढीले पड़ गए पूरे। और दया दिखा सकते ना जी पे, तुमने जो नाटक करने को उकसाया था सभी को। तो क्या करते, बाप पगले अटकी अगर मदद की हामी ना भरते तो वो सारो ऊपर से कूद के मर जा। तो हाँ देख तो रहा था, वो कूदा ना था, एक खरोज भी ना आए उसको। तुमको पता है तो बाकी मदद की हामी भरेंगे तो साथ में ये करंट की झटका भी खाने पड़ेंगे। चिंता ना करो दरोगा जी,
अभी तो बिजली के झटके झेलने पड़े हैं, अभी तो पूरी रात बाकी है, पता नहीं क्या क्या झटके झेलने पड़ेंगे। साहब समधन जी, अलका इनको तो अंदर के कमरा में सुला के आई थी, जिस सारी फिरका को जग गई। अंदर हो जी, इनके इरादे नेक ना लग रहे, मुझे तो लग रहा है फिर से मोड़ बन गया इनका झटका देने का। अरे समधन जी, समधी जी, इतनी रात हो गई आप लोग सोए नहीं है? आजी साहब, हम पागलों के लिए क्या रात और क्या दिन। अच्छा सुनिए ना, दरअसल आपकी ये समधन जो है एक जिद पकड़ कर बैठ गई हैं आज। अब कौन सी जिद, कैसी? दरअसल आज की रात ये आपके साथ सोना चाहती है। हाँ जी, अब इनके साथ तो मैं रोजे सोती हूँ, आज ना मैं आपके साथ सोऊंगी। वो कहे समधी जी की हमारी बीवी को हमारे साथ सोने की आदत पड़ गई है, और इनको अकेले सोने की बिल्कुल आदत ना आएगी, दिक्कत हो जाएगी। वो क्या है कि मुझे सोते वक्त इनके गाल काटने की आदत सी है। अरे आप इस बात का टेंशन क्यों ले रही हैं समधन जी, आज समधी जी की जगह मेरे पास सो जाइए और इनकी गालों के जगह मेरे गालों को काट लीजिएगा। ना मैं ना सो पाऊंगी, वो क्या है कि मुझे इन्हीं के साथ सोने की आदत सी है। क्या ना हाँ, हम मेहमान हैं आपके, हमारी इतनी बात तो आपको माननी पड़ेगी। हाँ अच्छा सुनिए, आप ले जाइए ना समधन जी को और हम समधी जी को गपचिया लेते हैं। आइए चलिए समधन, यूं भी सुबह से आप अंदर चलिए कह रही थी ना। चलिए अब हम आपको अंदर ले चलते हैं। वो तो मेरा तकिया कलाम है। हाँ, कोई बात नहीं, बेडरूम के अंदर तकिया भी है और हम दोनों मिलकर कलाम भी लिख लेंगे। आइए चलिए, हमारे गाल को काटिए, आइए चलिए चलिए चलिए, घबराइए मत, अरे चलिए चलिए, आज हम दोनों कलाम लिखेंगे, आइए। अरे चलिए, तकिया भी है अंदर, घबराइए मत, हाँ चलिए। सुनिए समधी जी, चलिए ना, आज ना बचेंगे तो सक्सेना की वजह से पहली बार जिंदगी में इतने शौक खाए हैं। कम वक्त इन पागलों ने शौक दे देकर हमारा तो खून ही सुखा दिया। ये कहाँ लेके आई? लट्टू है, वो कहा है ना कि ये लट्टू उड़ गया है रसोई का, अकल दूसरा ले आइएगा। दिया और कैसा फूल करे लड्डू के भैया। अरे वो फूल नहीं, फील होता है पगली। सही पकड़े हैं, अब बताइए हमको कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे हैं पगली, अगर ये पागलों का खानदान दो तीन दिन और हमारे साथ रह गया तो हमारे तो मतलब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, हम टाइम बोल जाएंगे। अरे ऐसा काहे बोलते हैं, कुछ ना ही होगा आपको। अरे तो और कैसा बोलें, ये पगलट तो शौक खाने के आदि होते हैं, उठते बैठते सोते जागते शौक खाते हैं, लेकिन हमें तो आदत नहीं है ना, हमें तो शौक लग जाए तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाए। दिया हम तो यही सोच रहे हैं ना, अच्छा हुआ वो हमको ये साग वाग ना ही दिए, ना ही तो हम तो मर जाते। अरे यार अब जल्दी से इस कमबख्त की शादी और हमारा पीछा छूटे, हमें तो डर है कि कहीं ये बारातियों का स्वागत भी शौक से ना करे। अरे तो शरीर में शक्ति नहीं बची अब। जाने दीजिए ना, अब ज्यादा टेंशन ना ही लीजिए। हाँ और हमारे पास आइए, हम आपको एलर्जी देते हैं। एलर्जी नहीं, एनर्जी होता पगली। सही पकड़े हैं। पारे बुलडॉग, कुत्ता बनकर कैसा फील हो रहा है? सारे मलखान पूरा दिन कुत्ता की तरह हाफ हाफ के है ना, हालत खराब है गई यार। शरीर से फेफड़े बाहर आ गए, ऊपर से कमबख्त ने
सर उन्हें शॉक और दे दो यार। सच में मलखान, आज जितनी बैंड बजी है ना, जिंदगी में कभी ना बजी यार। सारे फालतू की बकवास मत ना करे, अकेले तेरी बैंड ना बजी है गई। तिवारी भैया और विभूति भैया की तो हम सभी ज्यादा बैंड बजी है गई। कुछ भी कहले यार, सक्सेना भैया को जो आइटम है ना, सॉलिड है यार। सारे करवे, एक बात बता, अगर वाह की शादी तोता करा दी जाए तो वाह को झेल लोगो? सारे हर रोज ना बिजली के झटके मारेगी तो मैं तो झेल लूंगा प्यारे। औरत पागल हो या नॉर्मल हो, वैसे भी आदमी को करंट तो देती रहती है। ज्ञानी हो गए, एकदम सही कह रहे हो। मैं तो है ना सक्सेना भैया से पूछ लूंगा कि बाकी कोई साली वाली हो ना तो मेरी शादी की बात चलाए। मैं तो बाद से भी शादी कर लूंगा यार। लेकिन करवे, तू तो बुलडोग है वो ना, अरे तेरी शादी छोरी से कैसे रह सकती है? हाँ अगर कोई कुत्ती है गई तो की शादी है सकती है। I like it. I love you. I love you too. वो चांद देख रही हो अनोखी? बुद्धू, वो चांद नहीं सूरज है। I like it. तुम कहती हो तो ठीक है, वो सूरज है। वो सूरज देख रही हो अनोखी? तुमको पता है कि अभी जितनी आग उस सूरज में लगी है उससे भी ज्यादा आग इस वक्त मेरे दिल में लगी है। लो, मैं तुम्हारी ये आग बुझा दी। I like it. लेकिन अनोखी, ये आग इस पानी से नहीं बुझेगी। तो कैसे बुझेगी? ये आग तुम्हारे प्रेम के शीतल जल से बुझेगी अनोखी। आओ मेरी बाहों में आ जाओ। I like it. तो समधी जी, हम जो कह रहे हैं कि देखो अब आपने सारी रात बिता ली है, सब लोगों के साथ घुल मिल गए हो, आनंद रहो, आपने मजो लो है, आपको अच्छो भी लगो है, तो हमें ऐसा लग रहा होगा कि जो रिश्ता पक्का है, बस आप शादी की डेट बताओ बस। अबे किस रिश्ते की बात कर रहा है बे तू? अरे आपकी बेटी के रिश्ते की बात कर रहे हैं ना हम। अबे किसकी बेटी, कौन सी बेटी? ये मेरी बेटी नहीं, मेरी बीबी है। आंटी जी, आपके पति कैसी बातें कर रहे हैं? अबे ओए, क्या बक रहा है बे तू? हाँ, ये मेरे पति नहीं है, मेरे भाई है। तो मतलब आप लोग हमसे मजाक कर रहे थे? I like it. अरे मैं भी तो आप लोगों के साथ मजाक कर रहा था, ये मेरे असली रिश्तेदार नहीं है, मेरे पड़ोसी है। सक्सेना क्या जी?
तुम साले पागल लोग आपस में मजाक कर रहे थे और हमें फोकट में वो शौक लगवा दिए। चलिए जरा इनकी सुताई करते हैं। आइए डॉक्टर साहब, आइए। ये देखिए, ये पागलों का पूरा जखीरा यहाँ मौजूद है। चलो चलो, इनको उठा के वैन में डालो। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब, हम लोग पागल नहीं हैं। अरे डॉक्टर साहब, आई विल एक्सप्लेन। एक्चुअली क्या आपको बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है। वो तो हम सक्सेना जी की शादी कराने के लिए हम सब एक्टिंग कर रहे थे। हाँ, और पागल तो ई तीनों है, इनको आप पकड़ कर ले जाइए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, पागल हम लोग नहीं, पागल ये सारे के सारे लोग। अरे हम तो अपनी बच्ची का रिश्ता तय करने आए थे इनके पास। वो तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि सही वक्त पे पता चला कि सारे के सारे लोग पागल हैं। ये आदमी झूठ बोल रहा है, इज लाइंग थ्रू हिज डैम टीथ। आप हमको देखिए, लुक एट अस, हमको देखिए, हमें से वो पागल लग रहा है आपको? ये देखिए, तीनों पागल लग रहे हैं। वो देखिए, इतनी गर्मी में कंटो पहन रखा है। डॉक्टर जी, हम पागल नहीं, पागल तो ये हैं। देखिए कैसे चश्मे पे चिड़िया और पेड़ उगा लिए हैं। अरे ठहर जा भैया विभूति। ओ डॉक्टर साहब, क्या इलाका के दरोगा हैं हम? दरोगा जी, मैं समझ गया कि कौन पागल है कौन नॉर्मल है। बस आप तीनों को मेरे साथ पागल खाने चलना होगा थोड़ी देर के लिए।